आज हम आपको प्रैक्टिकल सेशन पढ़ाने जा रहे हैं सी में। इसमें स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं ये बताएंगे, और उसको एक्सेस कैसे करते हैं और कैसे उसमें काम करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, बुक नाम का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जिसमें टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और बुक आईडी दिया। उसके दो इंस्टेंस बनाए, बुक वन बुक टू, और फिर उसमें वैल्यू को वन बाय वन स्टोर करा strcpy की हेल्प से करेक्टर में और नंबर को बुक आईडी में। और उसके बाद बुक वन टाइटल cpi करके सी प्रोग्रामिंग सुमित और सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को कॉपी किया strcpy से, जैसा कि पहले भी हम स्ट्रिंग पढ़ा चुके हैं आपको। फिर आपको जो स्ट्रक्चर में कॉपी किया था उसको प्रिंट कर दिया। तो जब हम प्रिंट कर देंगे तो वैल्यू स्ट्रक्चर की प्रिंट हो जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। इसमें आपकी वैल्यू देखें इस तरह से आ जाएगी। द मार्क्स ऑब्टेन ऑफ स्टूडेंट एयर बुक वन ऑथर सुमित, सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग, बुक आईडी वन, टाइटल टेलीकॉम बिलिंग अशोक ऑथर है, सब्जेक्ट टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल और बुक आईडी टू है। अब हम चलते हैं दूसरी प्रोग्राम पे जहाँ पे हम स्ट्रक्चर में एरे को यूज करेंगे। क्यों एरे यूज करेंगे? हमें बार बार इंस्टेंस ना बनाना पड़े, एक ही इंस्टेंस से ढेर सारे लोगों का काम कर सके। उसके लिए हमें एरे में इंस्टेंस, एक एरे के थ्रू इंस्टेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर हमने स्टूडेंट डिफाइन किया जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स और मार्क ऑब्टेन। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्टार्ट 20 कर दिया, मतलब 20 स्टूडेंट्स की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चार ही स्टूडेंट की वैल्यू स्टोर करेंगे जिससे कम डेटा में हम ज़्यादा काम बता सकें। तो सबसे पहले स्टूडेंट वन की, फिर टू की, फिर थ्री की, फिर फोर की वैल्यू वन बाई वन हम एरे के थ्रू स्ट्रक्चर में स्टोर कर देंगे और उस वैल्यू को स्ट्रक्चर के थ्रू प्रिंट कर देंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोर करने के लिए एरे में एम्परसेंट लगा कर स्ट्रक्चर में और रोल नंबर, नेम, कोर्स और मार्क ऑब्टेन लिखेंगे और वन बाई वन उसको स्टोर कर लेंगे। फिर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल के उसको प्रिंट कराएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब ये पूछ रहा, रोल नंबर वन डाला हमने, स्टूडेंट का नेम राखी दिखता, इसका कोर्स साइंस लिया, मार्क्स ऑब्टेन मान लीजिए 90 कर देते हैं। दूसरा स्टूडेंट लिया सुमित कर दिया, कॉमर्स कर दिया और मार्क्स 78 कर दिया। तीसरा लिया रेखा आर्ट और मार्क्स 80 कर दिया। अब रोल नंबर फोर लिया और इसमें स्टूडेंट नाम अमित लिख दिया और यहाँ पर आर्ट लिखा और यहाँ पर ऑब्टेन किया 87। अब ये देखिए सारी वैल्यू उसने वन बाय वन प्रिंट कर ली जो वैल्यू हमने इनपुट की थी। पहले की राखी साइंस 90। तो इस तरह से हम एरे को यूज करके स्ट्रक्चर की वैल्यू को एक ही इंस्टेंस पे ज़्यादा लोगों की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब आया कि हम स्ट्रक्चर में फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने दिया स्ट्रक्चर तो फंक्शन नाम की एक फाइल खुल जाएगी। फंक्शन जिसने डिफाइन किया स्ट्रक्चर के साथ वो खुल जाएगा। तो हम यहाँ पर फिर वैसे ही एरे डिफाइन करेंगे, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी किया और दो इंस्टेंस बुक वन बुक टू किया। अब दो इंस्टेंस इसलिए लिया कि दिखा सकें कि फंक्शन में कैसे हम बार बार वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो बुक वन टाइटल कॉपी किया और बुक वन आईडी वन किया और बुक टू किया। अब ये कहाँ से
प्रिंट कहाँ पे कर रहा है, जब हमने कॉपी कर लिया तो प्रिंट हमारा फंक्शन में कर रहा है। दैट मीन्स कि हम बार बार वैल्यू को फंक्शन में भेज करके एक इंस्टेंस फंक्शन का क्रिएट करके उसमें वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो जब हम प्रिंट बुक बुक वन देंगे तो बुक के बुक्स के स्ट्रक्चर के का एक इंस्टेंस सिंपल बुक छोटा बनेगा, जिसके थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे कहाँ पर, फंक्शन प्रिंट बुक में। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फंक्शन में पास कर सकते हैं। अब इसको जब आप रन करिएगा तो आपकी वैल्यू फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो जाएगी। देखिए पहली बुक की वैल्यू और दूसरे बुक की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी। अब हम स्ट्रक्चर के साथ पॉइंटर पढ़ाते हैं। ओपन किया पॉइंटर, हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मेरे ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सी में जाकर के पॉइंटर समझ लीजिए। उसमें दो तीन वीडियो बनाए हैं जो इनिशियल पॉइंटर से लेकर उसके मैनिपुलेशन तक सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर से बुक का स्ट्रक्चर लिया और इस दो इंस्टेंस बनाए, उसमें कॉपी किया। अब की जो पास करेंगे वैल्यू वो बुक का एड्रेस पास करेंगे, स्ट्रक्चर के इंस्टेंस के एड्रेस को पास करेंगे। क्यों एड्रेस पास करेंगे? क्योंकि हमने बताया था कि पॉइंटर में एड्रेस वैल्यू स्टोर होती है, ना कि उसका कंटेंट। तो बुक वन का जब हम एड्रेस पास करेंगे तो अब एड्रेस जब हम पास करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरो लगेगा। पॉइंटर के केस में डॉट न लग के एरो लगता है। तो बुक एरो टाइटल इस तरह से करके फंक्शन में पास करके पॉइंटर यूज करके और एरे यूज करके, अब देखिए इस वाले एग्जांपल में एरे भी यूज है, इंस्टेंस भी यूज है, फंक्शन भी यूज है कॉपी करके strcpy करके, और उसको फंक्शन में पास किया है। किसको पास किया? पॉइंटर को पास किया, बुक वन को और बुक टू को, और उसको प्रिंट कराया फंक्शन के अंदर। किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू। तो जब हम पॉइंटर यूज करते हैं तो एरो यूज होता है इंस्टेड ऑफ डॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर के साथ डॉट लगता है, लेकिन जब हम इंस्टेंस करते हैं तो डॉट की जगह एरो लगता है। इसको रन करिएगा तो आपको वैल्यू ऐसे ही मिलेगी जैसे आपने फंक्शन में प्रिंट कराई थी। बस डिफरेंस यहाँ इतना ये है कि वो वैल्यू फंक्शन में स्ट्रक्चर पास हो रहा था सिंपल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एड्रेस पास हो रहा है फंक्शन इंस्टेंस का जो पॉइंटर में जा रहा है। सो दिस इज ऑल टू द व्यूअर्स रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर, और इफ यू लाइक दिस देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्म, फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक, join my telegram channel tech rathan, go to the community and comment there and please answer on poll and must share my video if you like it to your friends. Thank you.